यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका, ब्रेक करिए। खार्की, पोल्टावा, निप्रोपेत्रोविस्क में आशंका, यूक्रेनी एयरफोर्स ने जारी किया अलर्ट। दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेन के 20 से ज्यादा प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट। यूक्रेन में आज रूस का सबसे बड़े हमले की आशंका, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, यूक्रेन के 20 से ज्यादा प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट। आज यूक्रेन में सबसे बड़े हमले की आशंका है। और आज तीसरी खबर से ही हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। सीधा ये तीसरी खबर, रूसी मिलिट्री ऑफिस पर पेट्रोल बम से अटैक किया गया है। दिखाइए जरा, ये देखिए तस्वीरें, मोल्टोव कॉकटेल से हमला किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग में एक शख्स ने किया हमला, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, और फिर से प्ले ऑन करिए। रूसी मिलिट्री ऑफिस पर मोल्टोव कॉकटेल से हमले किए गए, ये देखिए तस्वीरें। अब आप इसकी बकायदा हमने रिपोर्ट दिखाई दी, कैसे ये सेंट पीटर्सबर्ग में हमला किया गया, चिंताजनक खबर है। और चौथी बड़ी खबर, सीधे दिखाइए विजुअल्स, जापान में जेलेंस्की का विरोध, बिलबोर्ड पर लिखा स्टॉप जेलेंस्की स्टॉप वॉर, बिलबोर्ड पर लिखा स्टॉप द वॉर, स्टॉप जेलेंस्की स्टॉप द वॉर। जापान के बिलबोर्ड में जेलेंस्की के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, और ये वही जापान है जिससे शेल्स लेना चाह रहा है अमेरिका। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, स्टॉप जेलेंस्की स्टॉप वॉर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, पानी में क्रैश हुआ छोटा विमान, विजुअल्स देखिएगा, अमेरिका के हैम्पटन बीच की घटना, दिखाइए जरा विजुअल्स। राहुल को शुरू से प्ले ऑन करिए, ये देखिए शुरू से प्ले करिए, ये देखिए कैसे ये पानी में क्रैश हुआ है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, पानी में क्रैश हुआ ये छोटा विमान, ये देखिए हैम्पटन बीच की घटना है। ये लैंडिंग करते में दिक्कत आ रही थी, उसकी वजह से ये विमान क्रैश हुआ है। फिर से इसको प्ले करिए, ये देखिए पानी में क्रैश हुआ छोटा विमान। इस सब के बीच में आप जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो हैरान कर देंगी, हिल गया है पूरा का पूरा बीजिंग। तस्वीरें देखिए, पहली बड़ी खबर, भारी बारिश से चीनी रेल सिस्टम दबा, विद द विजुअल्स राहुल, 1900 से अधिक पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को निकाला गया। बीजिंग में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें आपके सामने, पूरी तरह तबाह हो गया है। राहुल थ्री ब्रेकिंग थ्री शॉट्स के लिए तैयार रहिएगा। दूसरी खबर, बीजिंग में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, दिखाइए जरा फ्लैश फ्लड के विजुअल, बीजिंग में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, ये देखिए विजुअल्स। तबाही के बाद जहां जहां नजर आ रही हैं तबाह हुई कारें, ये देखिए अब आप किस तरीके से बीजिंग में तबाह हुई हुई है, उसके बाद की फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए, तबाही के बाद का मंजर है ये देखिए, बल्कि बाढ़ के बाद का मंजर है ये देखिए, ये कैसे गाड़ियां एकदम तहस नहस हो चुकी है, एक के ऊपर एक है, वहां पर एक पुलिया कहा जाए वहां पर ये आकर रुक गई हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये बीजिंग से, भारी बारिश से पानी से भरा बीजिंग एयरपोर्ट, विजुअल दिखाइए जरा, एयरक्राफ्ट देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन बीजिंग एयरपोर्ट, पानी भरने से कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी है, ये देखिए ये बीजिंग एयरपोर्ट है, बीजिंग एयरपोर्ट लोकेशन में, ये देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा टारमैक पानी से भर गया है। ये विमान क्या टेक ऑफ करेंगे, यहां पर बोट्स की जरूरत है, एयरक्राफ्ट्स की नहीं। ये तस्वीरें देखिए अब आप, बीजिंग का एयरपोर्ट पूरा टारमैक पानी से भरा हुआ है। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, इस वक्त बीजिंग जो है वो करहा रहा है, रो रहा है, पानी के बाद की तबाही और पानी से जो तबाही हुई है वो आपके सामने है। सीधा ये आठों ब्रेकिंग आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ये आज की सबसे बड़ी खबरें थी, देखिए सीधे यूक्रेन में बैलिस्टिक हमले की आशंका, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, सबसे चिंताजनक खबर यह है, यहां पर देखिए आज रूस का बड़ा अटैक संभव है, 20 से ज्यादा जो राज्य हैं वहां पर एयर रेड अलर्ट कर दिया गया है। फिर रूसी मिलिट्री ऑफिस पर मोलोटोव कॉकटेल पेट्रोल बम से हमला किया गया है, सेंट पीटर्सबर्ग में किसने किया ये चिंताजनक है, क्योंकि ऐसे ही लोग इन्वॉल्व है क्या जो ड्रोन वहां से उड़ा रहे हैं। यहां पर जापान में जेलेंस्की का विरोध, बिल बोर्ड पे लगे स्टॉप जेलेंस्की स्टॉप वॉर, जेलेंस्की के खिलाफ आवाज आ रही है। अमेरिका के हैम्पटन बीच की घटना मैंने आपको दिखाई, लेकिन चीन में भारी बारिश से पूरा चीनी रेल सिस्टम जो है वो तबाह हो गया, ये जानकारी आ रही है। यहां पर हर जगह तबाही दिखाई दे रही है, गाड़ी जहां तहां दिखाई दे रही है, वहां पर बहुत बड़ा जो एक हब है
वेयरहाउस है वो पानी पानी भर गया है, उसका पूरी दुनिया में नुकसान होने वाला है। बीजिंग की सबसे बड़े वेयरहाउस में पानी भर गया है। बीजिंग एयरपोर्ट पे कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। टारमैक पर पानी है जो बता रहा है अपने आप पर कि वहां पर अब बोट की जरूरत है, एयरक्राफ्ट की नहीं।